welcome back to the channel everyone. This is RK. Welcome back. So I am now in Halisod yard, nearby my home, 2.5 kilometers from here. और यहाँ पे मैं आज जो हूँ उसका स्पेशल रीज़न है. रीज़न इज माय सब्सक्राइबर नेम सुब्रनील. सुब्रनील इज देयर. सो ही सुब्रनील वन ऑफ माय सब्सक्राइबर. ही कॉल्ड मी एंड टेल मी दैट ही हैव अ बाइक, न्यू बाइक रिगार्डिंग दिस RS 200. तो यहाँ पे आओ और उसका थोड़ा रिव्यू कर दो. तो इसी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ. तो चलिए देख लेते हैं RS 200. ये एकदम ब्रांड न्यू 2018 RS 200 है. तो हाल ही में वन मंथ पहले this is the blue and white variant I will show you. And here is the instrument cluster. Look at this. Fully digital. And this RPM meter is Odo. This is the digital meter, the digital console. See, yes, 574 kilometers driven right now. And good thing is side stand, but must be a gear indicator जो चाहिए था. अभी हर एक गाड़ी पर provide कर रहा है. जो मेरा जो TVS है उसमें भी provide किया है और इसमें भी होना चाहिए था. And there's the ABS, I'll show you ABS button because this bike already has the ABS. See this total ABS ring, CBS model. अब सामने पीछे दोनों का disc brake है. और here is the ABS emblem. And this is RS 200 typically designed. वो पहले वाला जैसा था वैसा ही है RS 200. और सीट भी वैसा ही है और अच्छी कुशनिंग है. अगर मैं बोलूँ तो अगर आप देख सकते हैं, देखिए मेरा हाथ, कुशनिंग बहुत अच्छी है. टैंक पैड भी दिया गया है जो कि बहुत अच्छा है. और इसका सबसे अच्छा बात है जो है इसका अप्रेज हैंडल, जिसकी वजह से लॉन्ग ड्राइव पे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आता है. और आप अगर इसके साथ कंपेयर करें V3 को, तो आप देख ही सकते हैं जो पिछला वाला एक वीडियो मेरा आया था ड्रैग रेस, तो उसमें V3 आपको दिखा था. तो उसका थोड़ा सा डाउन साइड हैंडल है और जो कि बहुत एग्रेसिव लुक देता है. और इसका थोड़ा सा अपराइट हैंडल है, जिसकी वजह से आप लोग अगर इसमें लॉन्ग राइड करना चाहे तो बहुत ही इसके लिए फ़ायदेमंद है. और ओडोमीटर जो मैंने दिखाया था, और यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेटर जो है बैटरी का और फ्यूल अप का मेल फंक्शन एंड ऑल ऑफ. And this is the RPM limit. अगर आप इस लिमिट को लिमिट के हिसाब से क्रॉस करेंगे यहाँ से 10 to 12,000 क्रॉस करेंगे ये, तो यहाँ से तो ये RPM लिमिट आपका ब्लिंक होने लगेगा. सो देयर अबाउट इट. एंड द मिरर्स दे आर वेरी गुड फॉर बैक पोर्शन लुकिंग. एंड टाइम टू सी द हेडलाइट्स. See this is the DRL daytime running lamp and fully twin projector lamp जो पहले वाला RS में भी था. और मुझे पता नहीं है कि इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया है कि नहीं बजाज ने इंजन परफॉर्मेंस के हिसाब से, लेकिन जो है DRL बहुत ही अच्छा है, विजिबल है, दूर से भी आप लोग इसको देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से. और मैं थोड़ा सा इंडिकेटर इसको चला के देखा देता हूँ. Look at this, the indicators are so bright, very bright and fully LED. और LED का एक अच्छा बात यह है कि इसका पावर कंजम्पशन बहुत कम है. और LED होने के वजह से
एलईडी होने के वजह से जो है बहुत दूर से विजिबल भी होता है। सुवनील तो लाइट का हेडलाइट का तो मैं हेडलाइट जला के भी आपको दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है दूर से। पावरफुल हेडलाइट प्रोजेक्टर। ओह मैन दिस इज डैम गुड। नाइट में राइड करने के लिए एकदम परफेक्ट है, आप देख ही सकते हैं एकदम परफेक्ट। वेरी गुड हेडलाइट प्रोवाइडेड बाय बजाज। टाइम टू सी द एग्जॉस्ट नोट। आई थिंक V12 के बाद V12 और V15 के बाद यही बहुत अच्छा एग्जॉस्ट नोट वाला बाइक है बजाज का। सो गाइज माय रिव्यूज ऑलमोस्ट डन। अगर कुछ भी खामी लगी हो तो मुझे प्लीज़ बताएगा, मैं अगले वाला वीडियो में कोशिश करूँगा कि इसको दिखाने की। और एज यू सी गाइज मेरे साथ बने रहिए और बहुत ही अच्छा अच्छा एक्साइटिंग वीडियो आपको मिलेगा बाई वीक। और सामने बहुत ही अच्छा प्लान है मेरा, मणिपुर राइड है, नॉर्थ बंगाल राइड है, उड़ीसा राइड है। तो इसी वजह से सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर।